हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेमेस्टर। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो व्यूअर्स, आज है 10 अप्रैल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम RVNL के बारे में, जिसे आप रेल विकास निगम के नाम से जानते होंगे। फिलहाल आज के दिन देखें तो 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो साल भर के अंदर स्टॉक 250% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। स्टॉक अच्छा खासा हाई बनाया था 308 का और वहाँ से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। क्या स्टॉक को अभी बाई कर लेना चाहिए, वापिस से रैली देखने को मिल सकती है, स्टॉक को बाई कर इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पूरा बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप इस शेयर को बाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि पूरा फंडामेंटल भी एनालाइज करूंगा। 6 महीने के अंदर देखिए तो मात्र 57% रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा था 165 पे, स्टॉक ने अच्छा खासा हाई बनाया था 308 का, वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो पूरा बताने से पहले वीडियो से मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूँ। अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी अपने ओल्ड टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 22,753 रुपए के आसपास। वहीं अगर आप 5 दिन के अंदर देखें तो निफ्टी में 1% की तेजी देखने को मिल रही है। 1 महीने के अंदर देखिए तो निफ्टी 1 से 2% रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर आप 6 महीने के अंदर देखेंगे तो 14 से 15% रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि निफ्टी के हिसाब से कम नहीं होता है। साल भर में देखेंगे तो 28 से 29% का निफ्टी रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 95% रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी लगातार ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ से आपको एक करेक्शन बनते हुए देखने को मिल सकता है। इससे आपको घबराना नहीं है, जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिनको आपने ऊपर की प्राइस पे बाई कर रखा है, उनको आराम से आप होल्ड कर सकते हैं, लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं बनता। और जिनको पहले आप बाई करने से रह गए थे, उनको आपको वापिस से बाई करने का मौका मिलने वाला है। तो कौन से शेयर बाई करने हैं अगर आपको नहीं पता, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई देने की। और आप किस शेयर में फंसे हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो आपका कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर से दे दूंगा। पढ़ते हैं अपने स्टॉक की तरफ। अगर आप RVNL का देखें मार्केट कैप, तो 54,221 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। बेसिकली कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है और रेलवे सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक भी देखते हैं 37.3 का देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, पर इसका ये मतलब नहीं स्टॉक खराब है। बस मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ये रैली देख के इसको बाई करने की सोच रहे हैं ना, तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो तेजी आनी थी लगभग तेजी आ चुकी है। और जब स्टॉक में रैली आती है तो स्टॉक सबको अच्छा लगता है, जब करेक्शन आएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, फिलहाल आप स्टॉक से दूर रहिए। और इसी स्टॉक से दूर मत रहिए, रेलवे के जितने भी स्टॉक है, चाहे वो RVNL हो, चाहे RFC हो, चाहे इरकोन हो, चाहे IRCTC, जितने भी IRCTC को छोड़ के, उन सभी से फिलहाल आप दूर रहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स है। IT के हो गए, फाइनेंस रिलेटेड हो गए, बैंकिंग हो, उनकी तरफ आप जा सकते हैं, फिलहाल वो अंडर वैल्यूड है। पर्सनली स्टॉक में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसमें एक अच्छी खासी रैली आ गई है। अगर आप 5 साल के अंदर देखेंगे तो 1200 से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि कम नहीं होता है। वहीं अगर आप मैक्स देखेंगे तो स्टॉक लिस्ट हुआ था 19.75 पर, स्टॉक में कोई रैली देखने को नहीं मिल रही थी। और यहाँ देख सकते हैं 2022 में सितंबर के बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, तो उसके बाद से स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहा है। पर शायद ही हमारे कोई व्यूअर्स होंगे जिन्होंने इसको 30-40 रुपए के आसपास बाई किया होगा, सभी ने इसको यहीं पे बाई किया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, लॉस अगर हो गया है तो लॉस में सेल करने का मतलब नहीं बनता, बाकी फ्रेश एंट्री फिलहाल मत लीजिए। अब इसमें आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को नहीं मिल सकती है, रिस्क बहुत ही ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रैली नहीं आ सकती, आ सकती है, पर रिस्क बहुत ही हाई है, क्योंकि स्टॉक ओवरवैल्यूड है और यहाँ से करेक्शन बनता है, तो मैं इसलिए आपको स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी इसके फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शेयर में पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 78.21 थी मार्च 2021 में, जो कि फिलहाल दिसंबर 2023 में 72.84 होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब बात है कंपनी के लिए कि प्रमोटर ही यहाँ निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। FIS की देखिए फोर इन्वेस्टर की, जो कि 0.42 थी, जो कि फिलहाल देख सकते हैं 2.59 हो चुकी है। फोर इन्वेस्टर लगातार होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। DIS की देखिए तो 9.43 थी, जो कि फिलहाल 6.8 हो चुकी थी। यहाँ DIS अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। DIS में अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल जाएगी, जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। इनकी होल्डिंग्स में 8.72 थी, जो कि फिलहाल देख सकते हैं 5.87 हो चुकी थी। इन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ डिक्रीज कर लिया है। पब्लिक की देखिए तो 11.94 थी, जो कि फिलहाल 18.50 हो चुकी है। तो यहाँ पब्लिक की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप सेल्स देखेंगे 3732 था, जो कि फिलहाल 4689 होते हुए देखने को मिल रहा है दिसंबर 2023 में। तो यहाँ सेल्स अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल में उतना कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं स्टॉक को यही बोल रहा हूँ आपको, अच्छा कैसे रैली आ गई है तो फिलहाल दूर होइए। फिर भी अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो अपने लिए जरूर से कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।